तो मैं कभी कल्पना कर रहा है और ये मेरी भी कल्पना कहती है जब सूरज ऊंचा चढ़ आवे तब तो नार चढ़ाती है। शाम को ज्यादा खाएगी सवेरे आंख कब खुली जब सूर्य द्वे बांस ऊंचे चढ़े आए। अब बालक पड़े के लिए लेट है जे ने रोटी के लिए हाई हाई करी। जब सूरज ऊंचा चढ़िया बे तब चूल्हा कैसे जलाती है। बालक रोटी 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 के लिए हाई हाई करी तब कन्ना से सरका है। और देखो एक बात और बताऊं, बड़े बूढ़े कहावत कहते हैं नाम निकाले रोटी के बेटी। बुजुर्गों की कहावत है नाम निकाले रोटी के बेटी। और एक कहावत और सुनी होगी, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तय की आवाज सौ कोसल जाते हैं। कैसे जाते हैं? ऐसे थोड़े ही जाते हैं कि तय भी भीतर फुकनी मारो जो जो से। ऐसे सौ कोसल आवाज थोड़े ही जाते हैं। अगर रोटी घर पे बने हल्की हल्की फुलकियां और तुम्हारे घर कुल दूर के आए भय हो और बेखाए के जाए तो तारीफ करेंगे अपने आवाज ऐसे जाते। और देखो वैसे 70% घन में खानो बड़ा बढ़िया भर रहो और 10% घन में तो खानो ऐसो भर रहो अगर रोटी उठा के खबैया के मुंह पे दई जा तो मुंह पीछे घूम जा। तो नाम बता रहा हूं जो ज्यादा खाती है ज्यादा सोती उनको नाम का दर हो जाता है। आगे अगर पति महाराज काम करके आए सिदो से निकल के जाए लौट आए और उनने कहा कि कही है भाई रोटी है रही है रोटी है ना है भाई तो उनकी बात ना सुनी उल्टे शब्द प्रयोग कर हमारी देह में शब्द हमें दर्द हो तो कबू पैसा दे दवाई के खाइबे की पड़ी रहते उल्टे शब्द प्रयोग जो ज्यादा खाती ज्यादा सोती उनको नाम का दर हो जाता। आगे नाम धरो जाते हैं।
भुवरिया है का उपत्रा में ना 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 पंडित रे वे आतक ना शरीर के कर्म के अनुसार खुद पच जातो है। और देखो सात दिन की भागवत में एक भी बात मानना या मत मानना, लेकिन हमारी माता बहने एक बात जरूर मान लेना, कौन सी? अरे मति भुवरिया नाम धरियो, नारद बात माने की जइयो। सुनीति को तीन बातें बताएं, लौट करके चली आई दुखिया, और जब लौट करके आई न तो किसी ने जाते हुए देखा, न किसी ने आते हुए देखा। नारद की तीन बातों का पालन करती है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इधर में उत्तानपाद महाराज ने विचार किया, आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे, ये देखेंगे शरीर में सामर्थ्य है या नहीं। घोड़ा पर सवार होकर के बढ़े आगे, और जब बढ़े